आज हम देखने वाले हैं दुनिया के 5 सबसे लकी लोगों को, यानी कि ऐसे लकी हैं जिनकी किस्मत गजब की है, जिन्होंने मौत को भी मात दे दिया। पार्ट नंबर 1। दोस्तों, जब हमारा प्यारा सा मग टूट जाता है या कोई बड़ा प्रोजेक्ट हमारे हाथ से निकल जाता है तो हम खुद को कितना अनलकी समझते हैं और हम सोचने लगते हैं कि ये भगवान हमारे साथ ही ऐसा क्यों करता है। लेकिन क्या पता भगवान हमारी मदद उस वक्त कर दे जब हम कभी सोच भी नहीं सकते हो कि वाकई में ये मेरे साथ हो सकता है। आइए दोस्तों, आज हम आपको जिन लोगों के बारे में बताने जा रहे हैं, जब आप उन्हें देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि वाकई में किस्मत जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है और आप खुद अंदाजा लगा पाएंगे कि यार ये लोग तो कितने लकी लोग हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1। दोस्तों, ये वीडियो है चाइना की। आप वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे एक कंस्ट्रक्शन क्रेन इस शख्स के कार पर गिर गया और इनके कार की चटनी बन गई। लेकिन अंदर बैठा ये व्यक्ति इतना खुशकिस्मत था कि इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी इसे कुछ नहीं हुआ, सुरक्षित बच गया। वाह भाई वाह। नंबर 2। दोस्तों, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक लड़की जो सड़क के किनारे पर जा रही होती है और देखिए कैसे इसके थोड़े से ही आगे जाने पर ये पेड़ गिर जाता है। अगर ये लड़की थोड़ा सा भी लेट हो जाती, कुछ सेकंड्स भी लेट हो जाती ना, तो शायद ये उसका आखिरी दिन हो सकता था। लेकिन भगवान की मर्जी के आगे भला किसकी चलती है। भगवान ने उसका साथ दिया, यानी किस्मत ने उसका साथ दिया, जो बच गई सही सलामत। नंबर 3। दोस्तों, स्टंट करने का शौक तो अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी कोई भी स्टंट पूरे सेफ्टी के साथ करना चाहिए। भाई बिना सेफ्टी के स्टंट तो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हर बार किस्मत साथ दे ऐसा जरूरी नहीं होता है। दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं ऐसे ही एक साइकिलिस्ट के बारे में जो पहाड़ पर साइकिलिंग कर रहा होता है, और आप खुद ही देख लीजिए कैसे ये व्यक्ति इस साइकिलिंग के दौरान इतने ऊंचे पहाड़ से गिरने से बाल बाल बच गया। ये कहिए कि इसकी किस्मत अच्छी थी। अगर ये आदमी थोड़ा सा भी इधर उधर गिरता ना, तो समझिए इसकी मौत तय थी। नंबर 4। दोस्तों, मोटरसाइकिल पर हमेशा 1 से 2 लोगों को ही बैठने के लिए कहा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ भला कहाँ सुनते हैं लोग, और यहाँ मोटरसाइकिल कम और इसे ट्रेन ज्यादा समझा जाता है, क्योंकि जितने लोग बैठाना है बैठा लो मोटरसाइकिल में, बल्कि उससे ज्यादा ही बैठा लो, और साथ में घर का सामान भी रख लेते हैं। अब आप इस वीडियो में ही देख लीजिए, ओवरलोडिंग की वजह से दूसरे गाड़ी की हल्की सी साइड लगने पर ये शख्स अपना बैलेंस नहीं संभाल पाया और पीछे बैठे दोनों लोग मरते मरते बचे। भाई मेरी सलाह तो साफ साफ है, ट्रैफिक नियम का पालन करो, ओवरलोडिंग बिल्कुल ना करो, वो भी बाइक में। नंबर 5। दोस्तों, अब हम देखेंगे कैसे एक शख्स कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, लेकिन जरा इसकी बेवकूफी तो देखिए। ये जिस पिलर को काट रहा है, ये बेवकूफ उसी के छत पर खड़ा है। अब इसकी अच्छी किस्मत कहे या फिर ऊपर वाले का साथ, ये शख्स तो बाल बाल बच गया, नहीं तो एक बड़ा हादसा हो जाता और वो उसका शिकार हो जाता, या यूं कहें कि इसकी जान भी जा सकती थी। नंबर 6। दोस्तों, जो लोग पहाड़ पर चढ़ रहे होते हैं, आप खुद ही समझ सकते हैं कि वो कितना बड़ा रिस्क ले रहे होते हैं। माउंटेन क्लाइंबर खुद समझ रहे होते हैं कि वो अपनी जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। हर एक माउंटेन क्लाइंबर की एक ना एक स्टोरी होती ही होती है, जब उसके किस्मत ने उसका साथ दिया होता है। अब आप खुद ही वीडियो में देख लीजिए कि कैसे ये माउंटेन क्लाइंबर तब पहाड़ पर चढ़ रहा है जब इस पर बर्फ जमी हुई है, और आपको बता दूं मैं, वो बर्फ धीरे धीरे पिघल भी रही है, और जैसे ही इस व्यक्ति ने बर्फ पर अपना पैर रखा, और ये देखिए कैसे ये बर्फ नीचे की ओर गिरा, और अगर ये वाली रस्सी नहीं होती ना, तो आप सोचिए इस व्यक्ति का भला क्या हाल होता। और ऐसा भी हो सकता था कि ये क्लाइंबिंग उस व्यक्ति का लास्ट माउंटेन क्लाइंबिंग होता, लेकिन किस्मत के आगे भला किसकी चली है, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बच गया वो। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे, और हमें कमेंट करके बताइए कि आप क्या इसका पार्ट 2 देखना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।